ये बाबूराव का स्टाइल है तू ले। तो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की मैच और हमें जो लग रहा था वही हो गया और न्यूजीलैंड को क्या बढ़िया तरीके से पाकिस्तान ने दबोच डाली। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अगर हम अगर बात करें एक अलग लेवल की खेल यहाँ पे खेली यार, मैं कह रहा था भाई साहब अगर स्क्रिप्ट यहाँ पे लीक हो जाए तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। टॉप फोर में पाकिस्तान की जाने की जो रेशियो है वो भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकती है। और अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के फाइनल इस वर्ल्ड कप में हो जाए तो क्या ही हो जाएगा, आपको तो पता ही है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा था। उसके साथ जो रोमांच अब आई है आईसीसी वर्ल्ड कप में, वो तो जो लोग कहते हैं कि ओडीआई की टूर्नामेंट बोरिंग है उसके मुंह में अलग से एक तमाचा आ रही है। हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है मैं वो क्लियर कर दूंगा ना कट टू कट। अगर बात करें कल की खेल में, बहुत अच्छे तरीके से न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी की थी, 401 रन बनाए थे, लेकिन फखर जमान की जो बलबूता यहाँ पे पाकिस्तान के तरफ से काम आई वो तो एक अलग लेवल की बात है। बहुत अच्छे तरीके से फखर जमान के दम पे इस टीम ने एक अलग तरीके का कमबैक किया है और उसके साथ क्या बढ़िया तरीके से खेला तो नहीं पेला है। हम अगर बात करें जब पहले बॉलिंग शुरू हुई तो बहुत अच्छा तरीके से न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी कर रहे थे और उसके साथ रचिन रविंद्र भाई साहब ये प्लेयर एक अलग कैटेगरी की प्लेयर है और कंटिन्यू शतक पे शतक लगाते हुए जा रहा है। 104 रन फिल कर लगा दी, मजा आया। और उसके साथ रन को एक अलग पुश दिया और उसके साथ केन विलियमसन अपने ब्रोकन थंब के बलबूते पे बहुत बढ़िया तरीके से एक परफॉर्मेंस दी। और ऐसे खेल देंगे 95 रन की, इतना अच्छे इनिंग्स खेलेंगे ये तो हमें पता ही नहीं था। लेकिन निकल 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 निकल, लेकिन बहुत अच्छा तरीके से खेले और हैरिस रॉफ को तो पेले। हम अगर बात करें हैरिस रॉफ कल सबसे ज्यादा रन दिए, सब इतना ज्यादा छक्का खाया, इतना खराब बॉलिंग की आप तो कहो ही मत। एक पेशर आपकी सबसे तेज गेंदबाज अगर ऐसे रन खाएंगे तो आपकी जो टीम है वो तो बहुत ज्यादा रन को डिफेंड कर ही नहीं पाएगी और आप कह सकते हो कि जितना भी आप रन बना लो उसको तो ये टीम रोक ही नहीं पाएगी। और कल सेम इसी केस हुआ, हसन अली भी थोड़ा सा पीटे और कल वासिम ने बहुत अच्छे तरीके से बॉलिंग की, लेकिन न्यूजीलैंड के हर बैट्समैन बहुत अच्छे तरीके से बल्लेबाजी की, एक अच्छा टोटल दिया। ऐसा क्या है मेरे चेहरे में? लेकिन जब बॉलिंग की बारी आई न्यूजीलैंड की तब ट्रेंड बोल के गेम को लेकर हम डर रहे थे, जो इधर उधर स्विंग करके विकेट निकालने में माहिर है, उनको तो फखर जमान ने स्टेडियम से ही बाहर निकाल दिया। मुझे टाटा के जो। और उसके साथ बाकी बॉलर्स ने भी बहुत ज्यादा पीट खाई और 25 ओवर के अंदर 200 रन लगा दिए थे पाकिस्तान बोर्ड में। बात है सर, क्या बात, ये बात है, वो भी सिर्फ एक ही प्लेयर फखर जमान की बलबूते पे। दादागिरी निकाल दूंगा मैं। 121 रन उन्होंने बनाए और 11 छक्के लगाए। कर रहे यार तू। मगर बात करें पाकिस्तान टीम की, जो छक्के की निराशा थी, फैंस जो उन टीम को थोड़ा सा चिरा रहे थे छक्के के लिए, वो पूरा एकदम बैलेंस कर दी फखर जमान ने। लेकिन एक चीज कल चेंज हुआ जो देख के थोड़ा मजा आया, वो है बाबर आजम की स्ट्राइक रेट। आईने कल पहली बार इस वर्ल्ड कप में इतना सारा मैच खेलने के बाद 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट से खेले और मुझे मौका नहीं दिया। जब मैटर बड़े होते हैं वहां बाबर आजम भाग कर रहे होते वो बोलने, तुम लोगों ने दरअसल मुझे गेल चोद समझ लिया था। लेकिन सेकंड फिडल खेले, 63 के करीब रन बनाए, अच्छा तरीके से मैच को अंत किया। और उनको भी पता था, उनके ड्रेसिंग रूम में भी ये बात चल रही थी कि अगर विकेट हाथ में रहे और रन ठीक ठाक से हो तो जरूर से डीएलएस में हम जीतेंगे। तो उसे ही करते हुए रेन की थोड़ा सा आप कह सकते हो बारिश को स्क्रिप्ट में लेते हुए इस मैच को क्या बढ़िया तरीके से पाकिस्तान ने जीत ली। और T20 वर्ल्ड कप की जो इंसिडेंट है उसको दोहराने की एक अलग कोशिश में इस टीम अब है। लेकिन एक सेकंड है और बढ़िया तरीके से मुझे लगता भी है कि ये चीज हो भी सकता है, पाकिस्तान की टीम टॉप फोर में आ जाए और फाइनल ना खेल जाए, यही एक मुझे थोड़ा सा डर की बात है। और आप कह सकते हो मुझे एक चीज डर रही है। ऐसा क्या है मेरे चेहरे में? लेकिन अफगानिस्तान भी इस साल आप कह सकते हो वर्ल्ड कप की रेस में है, टॉप फोर की रेस में है, अभी भी एक मैच कम खेले है पाकिस्तान से। अगर नेक्स्ट की मैचेस जीत पाए, अगर ठीक से खेल पाए तो टॉप फोर में वो भी जा सकती है। लेकिन न्यूजीलैंड को अब हर मैच जीतना होगा, अगर हर मैच जीत नहीं पाए तो उनके लिए टॉप फोर की जो जगह है उसको पकड़ के रखना थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। और आप कह सकते हो जो टीम थोड़ा सा इंडिया को डरा रही है वो बढ़िया तरीके से खिसक सकती है। जनता माफ नहीं करेगी, ये भी थोड़ा सा हमारी स्क्रिप्ट।
के अंदर है। और हम अगर बात करें कि एक अच्छा तरीके से ये टीम अब खेल रही है, पाकिस्तान भी बहुत अच्छा कमबैक की है, हम अफगानिस्तान से भी एक अलग फाइटिंग देख सकते हैं यार। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के बीच जो रेस चल रही है 5 और 6 की, वो तो एक अलग मजा दे रही है, ये तो हम टॉप पे बैठ के बढ़िया तरीके से देख रहे हैं। लेकिन हम अगर बात करें, पाकिस्तान सच में ही बहुत अच्छा खेले है और फखर जमान ये प्लेयर ही आप कह सकते हो काफी है इस टीम को आगे लेकर जाने के लिए, क्योंकि इस प्लेयर के अंदर जो क्षमता है, जो रन बनाने की क्षमता है, इसको आप कभी भी रोक नहीं सकते। लेकिन हम अगर आज की खेल की बात करें तो एक बढ़िया खेल होने वाला है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की, और हम बढ़िया तरीके से जान पाएंगे कि साउथ अफ्रीका को हराने में जो दम जरूरत है, साउथ अफ्रीका को हराने के लिए जो दम की जरूरत है, वो इंडियन टीम में है या नहीं। जा पूछ क्या, क्योंकि एक जो दिक्कत आई है इंडियन टीम में, अब हार्दिक पांड्या अवेलेबल है नहीं, लेकिन मोहम्मद शमी हमारे पास है और उनके हार्दिक पांड्या की जगह आप कह सकते हो प्रसिद्ध कृष्णा को एंट्री मिली है। लेकिन शामी भाई ने तो पेसर्स के लिए जो डोर है वो बंद करके रखी है, पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। और आप नॉक भी नहीं कर सकते, एक चमाटा पड़ेगा आपको। हार्दिक भाई की जगह अगर आप एक पेसर ना लेके एक और अच्छा बैटर या पावर हीटर आप लेते तो मुझे लगता है बेटर हो सकता था। लेकिन जिस तरीके से टीम परफॉर्मेंस दी है, मुझे लगता है कि इंडिया बहुत हावी होगी और साउथ अफ्रीका भी बढ़िया तरीके से अपना जो रन की जोहर है वो बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ईडन गार्डन से छोटा मैदान, पाटा पिच, हाई फील्ड और फास्ट ग्राउंड, और जहाँ पे बहुत सारे रन की खनी है वहाँ पे खेल है और थोड़ा सा जमदार खेल तो यहाँ पे होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया ये मैच लेकर जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी बात कही है। आपको क्या लगता है जरूर से कमेंट में बताना, और आप अगर चाहो इंडिया जीते जरूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और बढ़िया तरीके से कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके एक कमेंट, एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यू बनाने के लिए। थैंक यू।